आप देख रहे हैं दखल न्यूज। बीजेपी पार्टी के संगठन महामंत्री बीडी शर्मा ने कमलनाथ पर आरोप लगाया है कि कमलनाथ की सरकार दबाव में कर्ज माफी कर रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार गठन के तुरंत बाद कमलनाथ के द्वारा किसानों की कर्ज माफी पर लिए गए फैसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा है। पार्टी कार्यालय अटल कुंज में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संगठन महामंत्री बीडी शर्मा ने किसान कर्ज माफी के फैसले को गलत ठहराते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने किसान कर्ज माफी पर जल्दबाजी में निर्णय लिया है। कर्ज माफी में सिर्फ पात्र किसान को ही कर्ज माफी योजना में रखने की बात कही गई है, जो कि निंदनीय है। बीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को पात्रता का निर्धारण करना चाहिए, जिससे हर किसान को इसका लाभ मिल सके। आज माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने शपथ लेने के बाद दो तीन बातों का मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि बिंध के क्षेत्र के अंदर जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, वो संदेहास्पद है और हम ईवीएम की जांच कराएंगे निजी एजेंसी के द्वारा। इस पर मेरा बहुत साफ मत है कि बिंध की जनता का घोर अपमान है। क्या माननीय कमलनाथ जी इस बात को कहना चाहते हैं कि वो 114 जो सीट जीते हैं केवल वहां की ईवीएम ठीक थी और 109 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है वहां पर ईवीएम खराब थी या उनके साथ छेड़खानी की गई? ये लोकतंत्र में एक जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की बात कहना, जब माननीय न्यायालय, माननीय चुनाव आयोग इन सारे मुद्दों पर अपनी बातों को बहुत पहले स्पष्ट कर चुका है कि इस प्रकार की चीजें कहीं नहीं हुई। आप तीन राज्यों में भी आपने चुनाव जीता है, चुनाव कोई भी जीतेगा कोई भी हारेगा, लोकतंत्र है, लेकिन इस प्रकार से किसी के दबाव में आकर मजबूरी में या तो माननीय कमलनाथ जी ने बयान दिया है या फिर वो इसको स्पष्ट करें। और मैं तो आज उनको कहना चाहता हूं कि आपने जो बयान दिया है, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपको हम बहुत जिम्मेदारी के साथ मानते हैं, आप ईवीएम की जांच कराएं, नहीं तो बिंद की जनता से माफी मांगे। वहीं बिंद की 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने जाने पर कमलनाथ के द्वारा ईवीएम के ऊपर लगाए गए दोषारोपण को उन्होंने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि क्या 114 सीटों पर ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, जिन सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है। कमलनाथ पर तंज कसते हुए शर्मा ने कहा कि भाजपा जीतने वाली सीटों पर ही ईवीएम की गड़बड़ी कमलनाथ को दिखाई पड़ती है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।